हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में मैं स्वागत करता हूं। तो आप जो देख सकते हैं, आज मैं जो है ओप्पो मोबाइल का मैं हिडन फीचर बताने वाला हूं, जो कि छिपा रहता है, सभी को नहीं मालूम रहता। तो चलिए मैं बताता हूं ज़्यादा समय न लेते हुए। अभी तक वीडियो के प्लीज़ लाइक नहीं किए हो तो यार लाइक तो ज़रूर कर दीजिए, प्लीज़ लाइक करिए। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह से वीडियो लाता रहता हूँ। यदि अभी हमारा जो है इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके जरूर देखें। उसमें तो मैं एकदम झकास ट्रिक बताया हूँ, ओप्पो मोबाइल क्या आल मोबाइल में सपोर्ट करने वाला ट्रिक। तो चलिए मैं चलता हूँ। सबसे पहले आप देख सकते हैं, यहाँ पर कहीं भी आप होम स्क्रीन पर यहाँ पर या कहीं पर आपको अपने फिंगर से दबा के रखना है। कुछ समय तक आपको अपने फिंगर से दबा के रखना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे आप दबा के यहाँ पर रखेंगे फिंगर को अपने, तो नीचे आप देख सकते हैं इतना ऑप्शन आ जाएंगे। सबसे पहले आपको जो है सेटिंग में जाना है। तो आप देख सकते हैं अपने सेटिंग में जैसे ही गए तो आपको जो है यहाँ पर आ जाएगा, इस तरह से आ जाएगा आपके। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मॉडर्न पर जाएंगे आप, पहले आपको एक मिनट, आप देख सकते हैं पहले वाले में होम स्क्रीन मोड पर जाएंगे तो आप यहाँ पर क्लिक करिए। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है आपको ढेर सारे यहाँ पर ऑप्शन दिखे। इसका मतलब आप देख सकते हैं जो नीचे वाला है, इसको जो है हमारा जो मोबाइल इस तरह से रहता है तो हम लोग स्क्रॉल करते हैं ओप्पो में, ऊपर जाता है। यदि आप यहाँ पर न करके यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपका जो है, एक मिनट मैं दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं मैं जो है इस तरह से कर रहा हूँ तो हमारा जो स्क्रीन पर ऊपर इस पर करते हैं तो आपको यहाँ पर स्विच करेंगे तो आपका जो है इस तरह से जो है आने लगेगा, जो है इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर आने लगा। स्क्रॉल करने पर कुछ नहीं होने वाला है। तो फ्रेंड्स, आप अभी यहाँ पर जाके कर सकते हैं। तो उसके बाद जो है आपको जो है करना है, यहाँ पर आप देख सकते हो होम लेआउट, तो आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर दिया है, आप जैसा चाहे एप्लीकेशन जो है आपका बड़ा साइज छोटा साइज दिखा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये वाला आपका जो है बड़ा साइज है और ये छोटा साइज है। यदि आपको छोटा साइज चाहिए तो इस पर क्लिक करके स्विच कर दीजिए, आप यहाँ पर कर देंगे तो आपका हो जाएगा। तो उसके बाद मेरे प्यारे मित्र, आप जो है यहाँ पर देख सकते हैं सेट वॉलपेपर कर सकते हैं। तो आइए मैं एक जो है एक नया ट्रिक बताता हूँ वॉलपेपर का। तो आपको सेम कुछ नहीं करना, वही करना मतलब होल्ड कर देना है आपको जो है मोबाइल स्क्रीन को, कुछ समय तक होल्ड कर देना है आपको। आपको कुछ समय तक अपने मोबाइल पर होल्ड करके रखना है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर वॉलपेपर है तो आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। आप देख सकते हैं जिस तरह से क्लिक करेंगे आप ही आपका देख सकते हैं कितना अच्छा अच्छा जो है आपका एकदम सेम बदला चलते एकदम चले जा रहा है, देख सकते हैं कितना अच्छा। तो चलिए मैं यही सेट कर देता हूँ। आप देख सकते हैं जो है हमारा यहाँ पर सेट हो गया, इस तरह से जो है एकदम मोबाइल का एकदम स्क्रीन जो है अच्छा दिखने लगा। उसके बाद फ्रेंड्स, आपको जाना है फ़ोन मैनेजर में। आप देख सकते हैं यहाँ पर दिख जाएगा आपके मोबाइल में फ़ोन मैनेजर, आपको क्लिक करना है। तो इसके बाद आपको देख सकते हैं यहाँ पर प्राइवेट प्रोसी दिखा है, तो आप देख सकते हैं यहाँ से जाकर आप जो है आप ऐप पर क्लिक करिए। आपको मैं तीनों बता रहा हूँ, पहला जो ऐप है तो आप देख सकते हैं जिस तरह से आपका ये एप्लीकेशन ऐप है, यहाँ पर आप जाएंगे तो नोटिफिकेशन जो मेक और कॉल वगैरह आता है आप उसे यहाँ से कॉल हिस्ट्री आप देख सकते हैं टेलीग्राम में लेते हुए जितना भी ट्रू कॉल से बात किए हैं, उसके बाद आप ये कर सकते हैं। उसके बाद मेरे प्यारे मित्र, आपको जाना है सेटिंग में। आपको यहाँ पर सेटिंग में गए, सेटिंग में जाने का आपको जाना है नेक्स्ट में, आपको जाना है देख सकते हैं कोना बताकर आपको यहाँ पर मैं बता देता हूँ ये नोटिफिकेशन स्टेटस बार। तो यहाँ पर जो है आप चले जाएंगे तो आप देख सकते हैं बैटरी परसेंटेज, आपको यहाँ पर जैसे बंद करेंगे तो आपको बैटरी परसेंट देखिए कुछ नहीं दिख रहा है, यहाँ पर कोने पर दिखेगा, यहाँ पर आपको कुछ नहीं दिख रहा है। तो जैसे आप इसको ओपन करेंगे आप देखिए आपका बैटरी जो है इस तरह से दिखने लगा। उसके बाद आप देख सकते हैं आपका नेट स्पीड जो है, नहीं इस समय बता रहा, जैसे आप ओपन करेंगे आपका कितना स्पीड में चलने लगा है आप ये देख सकते हैं। उसके बाद मेरे प्यारे मित्र, यदि आप अपना फ़ोटो वगैरह छिपाना चाहते हैं तो आपको जो है यहाँ पर देखिए आपको इस जो है सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पर ये देखिए सिक्योरिटी किस में जाना है, सिक्योरिटी पर टच करते हैं तो आप देख सकते हैं इस तरह से आपको आ जाएगा। तो आपको यहाँ कहीं नहीं आपको जाना है तो
तो आपको यहाँ पर जो है ये देखते हैं प्राइवेट सेव पे जाना है। आपको प्राइवेट पर सेव जैसे ही करते हैं तो आप देखते हैं इस तरह से यहाँ पर आप सेट पासवर्ड, तो आप यहाँ से ये जो है आपको दिख रहा होगा यहाँ पर रेड के, तो यहाँ पर क्लिक करके आप अपने मनचाहा जो है ले सकते हैं। आप देख सकते हैं पैटर्न ले सकते हैं, 4 का 4 16 का पैटर्न का कर लग सकते हैं। तो जो चलिए हम 4 ले लेते हैं, तो कुछ नहीं तो मैं एक पासवर्ड डाल देता हूँ, आप देख सकते हैं उसे फिर भी वही पासवर्ड आपको दोबारा डालना पड़ेगा, तो आपको यहाँ पर जो है हो जाएगा। तो उसके बाद मेरे प्यारे मित्र, यदि आपको जाना है, आप यदि देखिए आपको मैं बताने वाला हूँ, आपका ये जो है बटन जो है आप जो है उसे करना बदलना चाहते हैं, तो आप जो है सेटिंग में जाइए, आप देख सकते हैं ये जो आपका बटन है, ये आपका ये जो बैक हो गया था, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले जाना है सेटिंग में। सेटिंग के बाद जो है कन्वेस सेटिंग दिखेगा, ये आप देख सकते हैं ये यहाँ पर जो है आप इसको क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर चले जाइए नेविंग बटन पर, निवेशन बटन पर जाएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको इस तरह से आ जाएगा। अभी देख सकते हैं यहाँ पर जो है यदि आपका जो बैक करने वाला आप इस तरफ करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर स्विच कर देना। आप देख सकते हैं हमारा जो है यहाँ पर दोनों, आप नीचे देख सकते हैं यहाँ पर तीनों बटन बदल गई। आप देख सकते हैं यदि ऊपर कर देंगे तो नीचे का तीनों बटन जो है बदल गया मेरा, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। और यदि आपको कुछ नहीं चाहिए तो आप यहाँ पर कर दीजिए, आप जो है स्क्रॉल ऐसे ऐसे करेंगे आपका बैग जो है चला जाएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पर आपको जो है बटन पर ही करके दिखाता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से आप कर सकते हैं। यदि अभी आपको और चाहिए इसके बारे में नोटिफिकेशन, मतलब इसकी हिडन फीचर बहुत हैं चाहिए, तो वीडियो को जो है वीडियो को कमेंट में ज़रूर करिएगा, वीडियो के अंदर कमेंट जो है करूँ ज़रूर करिएगा, तो मैं और लेके आऊँगा। ओके फ्रेंड, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो।